फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिकलन फोकस पे। मैं आपका इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफसी मिनमान ग्रोडनो वर्सेस बेलशिनो बोबरिस्क, जो आपको बेलारूस प्रीमियर लीग का मैच खेला जाता दिखेगा, यानी टीम एनीमी एनईएम और बीईएल। हम इजी वर्ड्स में ये रेफर करेंगे ताकि आपको आसानी रहे और आप समझ पाएँ जो मैं आपको बता रहा हूँ आसानी से। निमान के बारे में बात करें तो ये 8 रैंक पे है अभी, और बेलशिना की बात करें तो ये 16 रैंक में है आउट ऑफ द 16 टीम, तो 16 में से 16 पर है, यानी लास्ट रैंक पे बेलशिना। और आपको ये भी पता होगा बेलशिना पहले दूसरी लीग में खेलती थी, वहाँ विन करके आई है, रैंक 1 रही है, तो वो प्रमोट हो गई है मेन लीग में, यानी कि जो येवली लीग है बेलारूस प्रीमियर लीग, उसमें। निमान ग्रोडनो के अभी तक बात करें तो उन्होंने 3 मैच खेले हैं, जिसमें से उनका तीनों में रिजल्ट डिफरेंट रहा है। एक मैच उन्होंने लूज़ किया है, एक मैच उन्होंने विन किया है, एक मैच उन्होंने ड्रॉ किया है। लेकिन बेलशिना की बात करें तो वो तीनों के तीनों मैच हारी है, और अभी तक उन्होंने इस सीज़न में केवल एक ही गोल स्कोर किया है। चलिए पहले हम निमान पे अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम बेलशिना पे चलेंगे। निमान के बारे में अगर हम बात करें तो ये 2 गोल स्कोर कर चुकी है और गोल्स कंसीड, यानी कि सिर्फ 1 गोल इनको पड़ा है। पिछला मैच इनका शक्तियों से था, जो कि एक काफ़ी अच्छा क्लब है, इन्होंने 0-0 खेला था, ड्रॉ किया था, जो इनके हिसाब से काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। तो निमान का फॉर्म भी अच्छा है, डिफेंस काफ़ी अच्छा कर रहा है, 3 मैच में सिर्फ 1 गोल खाया है, जबकि फॉरवर्ड्स और अगर आप कहोगे मिडफील्डर्स ने 2 गोल किए हैं और काफ़ी अच्छा काम करते रहे हैं। इस मैच में थोड़े से फेवरेट्स निमान रहेंगे बेलशिना के ऊपर, हालांकि बेलारूस प्रीमियर लीग है, आपको मैचेस रिवर्स भी दिख रहे हैं, तो एक रिवर्स ग्रैंड लीग टीम बना कर रखिएगा। अगर आपको नहीं पता है वो क्या होती है, मैंने एक 40 मिनट की डिटेल में वीडियो बनाई थी फुटबॉल पे, चैनल पे आपको दिख जाएगी, 3-4 वीडियोस नीचे आप चैनल पे देखिएगा, आपको मिल जाएंगी और आपको बहुत अच्छी आएगी वो वीडियो, अगर आप फुटबॉल में ग्रैंड लीग जीतना चाहते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो आपने क्रिक 11 फोरकास्ट इतना सा जाके टेलीग्राम पर सर्च कर लेना है। अगर आप ये सर्च कर लेते हो तो आपको चैनल मिल जाएगा, 50,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, बिना स्पेस के क्रिक 11 फोरकास्ट आपने सर्च कर लेना है। निमान की अगर दोस्तों हम बात करें, मैंने आपको लास्ट मैच में बताया था जोरान मारुसिच इज़ बैक आफ्टर सस्पेंशन, तो आपको देखे भी थे वो खेलते हुए, तो इस मैच में भी आपको खेलते दिखने चाहिए, हालांकि सब्स्टिट्यूट होके कुछ टाइम बाद चले गए थे। इनके जो गोलकीपर हैं वो रहेंगे दिमित्री दुदार, डिफेंस में आंद्रे डेनियल, जॉर्जरी पावेल जाबेलिन, जो कि एक काफ़ी अच्छा प्लेयर है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। आपको गिवन कहाँ पे है, ये मिडफील्डर में गिवन है जब आप टीम सिलेक्शन में जाओगे। आर्थर स्लाबिशेविश, जोरान मारुसिच, एलेक्से लेगलिचिन, आंड्री अकुमोव, जिजाम कार्डिमन और व्लादिमिर कोवल और रसाकदीन में से एक। पिछले मैच में कोवल को खिलाया गया था, लास्ट मैच में रसाकदीन को मौका मिला था, हालांकि ये दोनों में से कोई एक स्टार्ट करता है और दूसरे के चांसेस हैं कि वह सब्स्टिट्यूट आ जाएगा बाद में। स्टैट्स की बात कर लेते हैं तो गोल्स के मामले में लास्ट ईयर यानी 2019 में क्या हुआ था, 2019 में वलेरी ज़ोहुकोव्स्की, जिसको इतना मौका ही नहीं मिला अभी तक, 4 गोल 3 असिस्ट किए थे, तो ये अगर प्लेयर खेलता है तो इसको जरूर ट्राई करेंगे। जोरान मारुसिच, जो कि सर्बियन इंटरनेशनल है, इनके 4 गोल 3 असिस्ट है। मैक्सिमम यब्लॉन्स्की, 3 गोल 1 असिस्ट। आंद्रे यकीमोव, ये खिलाड़ी 3 गोल 1 असिस्ट था, प्लस ये पासेस भी बहुत करता है, तो हम नीचे बात करेंगे। ग्लेब रसिकदिन, 3 गोल। अलेक्सेय लेक्लेचिन, 2 गोल 1 असिस्ट। जॉर्जी कंटारिया, 1 गोल 1 असिस्ट लास्ट सीजन। इस सीजन में मैंने आपको क्या बताया कि इन्होंने अभी तक 2 गोल किए हैं और एक ही गोल खाया है। जो 2 गोल किए हैं वो कंटारिया ने 1 गोल मारा था और कांडियामैन ने 1 गोल मारा था। कंटारिया ने पेनल्टी लेकर गोल मारा था, इससे हमें ये पता लगता है कि कंटारिया पेनल्टी लेने वाले हैं और एक वो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, तो वॉच आउट फॉर कंटारिया। जो प्लेयर पेनल्टी ले रहा है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, आपको पता ही होगा। वी कोवल ने असिस्ट दिया था, अगर वो मैच स्टार्ट करते हैं तो आप ज़रूर उनको भी ट्राई करने वाले हैं। इस टीम में मैक्सिमम पासेस कौन देता है दोस्त? आर्टर स्लाबिशेविच, जो इनके एक डिफेंस में प्लेयर हैं, वासी विलेज, जो डिफेंस में, याकिमोव, जो मिडफील्डर में, और पावेल तसबलिन, जो एक्चुअल में तो आप कह सकते हो कि मिडफील्ड में गिवन है, हालांकि उनका पोजीशन चेंज भी हो सकता है, क्योंकि एक मैच में उन्होंने एज डिफेंस भी खेला और एक मैच में एज मिडफील्ड खेला है। तो ये पावेल सबलिन की बात है, लेकिन पावेल सबलिन काफ़ी पासिस कर रहे हैं। शॉट्स ऑन टारगेट यानी गोल की तरफ गोल कौन मारता है? कार्डिमेन 2 आउट ऑफ 5, इन्होंने टोटल यानी कि 5 शॉट लगाए हैं। 2 आउट ऑफ 5 का मतलब 2 इनके गोल की तरफ थे और 5 गोल के अगल बगल या ऊपर से निकल गए। कोशिश इन्होंने 5 करी, शॉट्स ऑन टारगेट लेकिन ओनली 2 था, तो टोटल शॉट्स 5 एंड शॉट्स ऑन टारगेट 2। तो मारुसिच का इस प्रकार एक शॉट था गोल पे, और रसिकदीन का एक था एक में से, और यकीमोव ने 2 शॉट ट्राई किए लेकिन गोल की तरफ नहीं गए, ऊपर निकल गए या साइड से निकल गए। तो जिन पे अगर आपको गोलकीपर का सेव वगैरह दिखता है वो ये होते हैं शॉट्स ऑन टारगेट।
और ध्यान रखिएगा दो शॉट ऑन टारगेट का एक पॉइंट होता है, जिस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कार्डियमैन को लास्ट मैच में एक पॉइंट इसी से मिल गया था, तो ये आपके लिए काफ़ी काम आ सकता है। जितने शॉट्स ऑन टारगेट ज़्यादा उतना गोल का चांस ज़्यादा है प्लेयर का, ये भी आपको अंदाज़ा लगेगा क्योंकि इन टीम से ज़्यादा गोल किए नहीं है। तो मैंने आपको ये दिखाया कि इस सीज़न में ये गोल करने के मौके रख रहे हैं कार्डियमैन, मारुसिच, रसिकदीन और यकीमोव। यकीमोव का सिलेक्शन कुछ भी नहीं है, जबकि आप देख रहे हो पासेस भी कर रहा है और गोल के भी ट्राई मार रहा है। और लास्ट सीजन में भी यकीमोव का आप देखोगे परफॉर्मेंस अच्छा था। क्या पता लगता है इससे 24% सिलेक्शन में ये ग्रैंड लीग की बेहतरीन चॉइस है यकीमोव, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें ग्रैंड लीग में। देखो दोस्तों, बेलचीना की टीम ने गोल तो सिर्फ एक ही किया, जो गोल किया है उनका लियोनार्ड कोवेल ने इस सीज़न, अकेले उन्होंने ही गोल मारा है अभी तक। और गोल्स कंसीड किए हैं पांच, यानी पांच पड़ गए हैं इनको। सर्जियो टोरनोक इनके गोलकीपर रहेंगे, डिफेंस में रहेंगे मिखाइल बशलिनोव, व्लादिस्लेव यासुकोविच जो इनके काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट डिफेंडर हैं, मैक्सिमम पासेस करते हैं, प्लस लास्ट सीजन 3 गोल थे, सैमुअल ओडियोबियो, कॉन्स्टेंटिन कुचिनस्की, मिडफील्डर में सर्जी ग्लेबको और बजुनोव में से एक, पवेल बडुकोव, निकिता रोशेव, एवेजनी स्कॉब्लिकोव, फॉरवर्ड में रोमन सलीमोव, लियोनार्ड कोवेल गोल जिन्होंने मारा था। स्टैट्स देखोगे लास्ट सीजन के तो आर्टम डिलेविस्की इनके मेन प्लेयर रहे थे, 5 गोल तो अगर खेलते हैं तो जरूर ट्राई करें। एवेजनी स्कॉब्लिकोव 3 गोल, व्लादिस्लेव यासुकोविच मेन डिफेंडर प्लस पासर 3 गोल, रोमन सलीमोव 2 गोल, पावेल बोडुकोव 2 गोल, लियोनार्ड कोवेल के एक ही गोल था, सैमुअल ओडियोबो जो नाइजीरियन प्लेयर है इनके डिफेंस में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखेंगे, उनका 1 गोल, और बेजुनोव एक डिसेंट पिक है, उनको ट्राई करना क्योंकि ये पासिस भी अच्छे देते हैं अगर खेलते हैं तो। अभी तक एक मैच ही खेले हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लियोनार्ड कोवेल ने गोल स्कोरर हैं इनके, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। 5 पासर इनके हम देख रहे हैं जो टॉप के हैं। हाईएस्ट पासिस लास्ट मैच में व्लादिस्लाव ने किए, फिर कॉन्स्टेंटिन ने, फिर निकिता रोशेव, मिखाइल बोशिनोव और ओडियोबो, तो ये 5 प्लेयर थे जिन्होंने हाईएस्ट पासिस किए। टारगेट पे सिर्फ 2 ही शॉट गए थे टारगेट पे, टोटल शॉट्स देखोगे तो वो काफ़ी थे। बशलोव ने 1 में से 1 टारगेट पे मारा, बोडुकोव ने टोटल 4 शॉट लिए, यानी इनके लिए अटैक कर रहे हैं बोडुकोव, तो ध्यान रखिएगा ये वाला प्लेयर पवेल बोडुकोव, और इसने क्या किया था 1 ही शॉट टारगेट पर मारा, लेकिन ट्राई 4 बार किया था गोल करने का। स्कॉब्लिकोव 0 out of 2, रोशेव 0 out of 2, तो ये प्लेयर्स हैं जो इनमें से गोल करने की काबिलियत रखते हैं, शॉट्स लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं गोल करने की। दोस्तों ये स्टैट्स आपके लिए निकालने बहुत मुश्किल होते हैं, अगर आप देखेंगे आपको बाकी लोग गोल के स्टैट्स ज़रूर बता देंगे, लेकिन फ्रॉम असिस्ट, पासिस, ये सब डेटा जो मैंने निकाला है, दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, मुझे मैनुअल सर्च करना पड़ता है एक एक प्लेयर के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो को लगता है मेहनत है तो आप एक लाइक ज़रूर दे सकते हैं और चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा कुछ आने वाला है जल्दी। ये क्रिकेट सीरीज़ भी आ रही है, होपिंग फॉर द ताइवान क्रिकेट लीग या चाइनीज़ ताइपे क्रिकेट लीग है वो, तो उम्मीद करते हैं हम खेलेंगे वो, तो जल्दी से आप चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपको गोलकीपर में जो 2 प्लेयर दिखेंगे वो दिखेंगे डुडार और तुरनिक। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको जिसको लेने ले लीजिए, नो इश्यूज़, यहाँ पे क्लीन शीट का चांस रहेगा डुडार का, हालांकि तुरनिक सेव कर सकते हैं ज़्यादा, तो आप इनको भी ले सकते हो, इसमें कोई चक्कर नहीं है, जो आप लेना चाहो ले सकते हो। डिफेंस में लेकिन आपको मैं आपको बता दूं, आपको 4 से 5 प्लेयर ज़रूर रखने हैं, क्योंकि ये प्लेयर पासिस भी मैक्सिमम दे रहे हैं, गोल ज़्यादा हो नहीं रहे इन मैचेस में, तो ये प्लेयर आपके लिए काम आ जाते हैं। डिफेंस में क्लीन शीट रख लें तो वो तो बेहतरीन बात है आपके लिए। स्लाबेविच, टोजोकोविक, लेगलिचिन, यासुकोविच, वासिस्लेव, 5ों जो मैक्सिमम लोगों ने लिए हैं यही हैं बेस्ट प्लेयर आपके लिए। कुचिन्स की एक प्लेयर हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हो, निकिता और रशे गोल स्कोरिंग कैपेबिलिटी रखते हैं जिस वजह से ही बिकम्स अ गुड चॉइस, इसको आप ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ ओडियोबो हैं, बाकी ये प्लेयर्स तो खेल नहीं रहे हैं, इनका आपको ध्यान देना ही नहीं है। और जो ये प्लेयर्स हैं इसमें अगर आपको देखना है गोल स्कोरिंग थ्रेट कौन रखता है, तो निकिता रोशेव और बेलचीना से यहाँ पे रखते हैं यासुकोविच। हालांकि मैं बेलचीना का एक ही डिफेंडर लेना चाहता था, जिस वजह से मैंने यासुकोविच को लिया। आप चाहो तो निकिता रोशेव को ट्राई करिए, ग्रैंड लीग में आपके लिए अच्छी चॉइस बन सकते हैं, ये शॉट्स भी लगा रहे हैं प्लस अच्छे डिफेंडर भी हैं। मिडफील्ड में अगर आप देखोगे कार्डिमियान इज़ अ मस्ट चॉइस, मैंने आपको दिखाया लास्ट मैच में 2 इसने स्कोर का ट्राई किया था, 2 शॉट्स ऑन टारगेट थे, प्लस 1 गोल भी कर चुके हैं इस सीज़न में इस टीम के लिए। कंटारिया इज़ ऑन पेनल्टीज़, हालांकि ये डिफेंडर हैं आपको दिए गए हैं ये मिडफील्ड में, यानी क्लीन शीट के पॉइंट तो नहीं देंगे भाई, लेकिन पासेज अल्टीमेट करते हैं, प्लस ये फ्री किक्स में काम आते हैं और पेनल्टीज़ भी, तो कंटारिया भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चॉइस है, फुल टाइम ये खेल रहे हैं। ग्लेबको को लोगों ने चूज़ किया, हालांकि लास्ट मैच ये खेला नहीं था, सब्स्टिट्यूट आया था, प्लस जितने भी मैचेस ये खेला है इसका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, तो मैं आपको कहूँगा या तो आप स्कॉब्लिकोव को ले लीजिए, अगर आपको लगता है कि रोमन सलीमोव गोल मारेंगे तो उनको ले सकते हो, हालांकि यहाँ पर मेरे हिसाब से ये 3 में से 1 आपको लेके जाना है, क्योंकि मैं यहाँ पर नेमान का एक फॉरवर्ड लेने वाला हूँ बाद में, तो मैं अभी के लिए स्कॉब्लिकोव को ले रहा हूँ, वरना ये यकीमोव जो आपको बताया ग्रैंड लीग में भी
बेस्ट हैं, काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं, ट्राई कर सकते हो। बोडुकोव इज़ अ प्लेयर जो काफ़ी अच्छे यहाँ पे आपको चांसेस दे रहा है, मैंने आपको बताया 4 शॉट लगाए थे इसने लास्ट टाइम, तो बोडुकोव इज़ अ गुड प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। बोडुकोव को बहुत कम लोग ले रहे हैं, आप ट्राई कर सकते हो, तो ये आपके लिए बोडुकोव चॉइस बन जाती है। अगर आप आओगे यहाँ पे कोवेल कोवल बेजन ऑफ रकीश रसिक दिन, ये 5-6 प्लेयर में से कोई एक खेलेगा, मतलब एक एक खेलेगा दोनों टीम के लिए, यानी कि एनीमी के लिए भी एक खेलेगा और बेलशीदा के लिए भी कोई एक खेल सकता है। लियोनेट कोविल हर मैच खेल रहे हैं, एक ही गोल अभी तक इन्होंने मारा है, उसके अलावा इन्होंने गोल नहीं किया। अब आपको एक प्लेयर और लेना है जो आपको लेना पड़ेगा गोलकीपर सेक्शन से, अपने हिसाब से आप ले सकते हो। हालांकि मैं क्या कर रहा हूँ, मिड से फिलहाल के लिए बोडुकोव को छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ BEL के ही त्रोनक। और अब आपके पास एक चॉइस आ जाएगी, आप कोई भी फॉरवर्ड ले सकते हैं जो भी खेलता है उसमें से। रसिक दिन लास्ट मैच खेले थे तो मैंने अभी के लिए रसिक दिन को ले लिया है, अगर आप चाहो तो इनकी जगह ना लेकर यकीमोव को ले सकते हो, बोडुकोव को ले सकते हो, जैसे आपको सही लगता है। मेरे हिसाब से नेमान फेवरेट है तो मैं रसिक दिन के साथ जा रहा हूँ, रसिक दिन को मैंने ले लिया है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की ऑप्शन आप पास आ जाती है, किसको दे सकते हो भाई कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए? कादिमयान मेन प्लेयर रहेगा, गोल स्कोरिंग के हिसाब से असिस्ट कर सकता है, गोल कर सकता है, पूरे 80-90 मिनट खेलता है। लास्ट मैच में 88th या 89th मिनट में सब्सटीट्यूट हुआ है, लेकिन काफ़ी तब तक काम कर चुका था। और अगर आप देखोगे इनके लिए एक डिफेंडर को आप इनमें से कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, बेस्ट पासिस के हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया लेगलेचिन और स्लाबचेव अच्छे हैं, स्पेशली स्लाबचेव, इनको ट्राई कर सकते हो आप। मैंने क्या किया, कैप्टनसी दी है अपनी इन्हीं को, और ये गोल स्कोरिंग थ्रेट भी हल्का सा रखते हैं, साथ में वाइस कैप्टनसी मैंने अपनी दी है कार्डिमिया को, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मिला के दोस्तों मेरी ये टीम बन जाएगी, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यदि आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, आपने केवल सर्च कर लेना है क्रिक 11 फोरकास्ट, 50,000 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। जुड़ने के लिए आपने क्रिक 11 फोरकास्ट सर्च कर लेना है, जो ये पूरा लिखा हुआ है, विदाउट स्पेस सर्च करेंगे आपको चैनल ज़रूर मिल जाएगा।